अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की स्टूडियो में हम लोग क्या करने लगे हैं, हमारा जो एक बड़ा वाला ब्लैक वाले जो कबूतरों का पेयर था उसमें जो मेल है ना उसकी एक उंगली जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है, तो वो मैंने आपको दिखानी है। अभी जो है मैंने कुछ टाइम पहले हुई थी तो मेरे साथ पेपर्स वगैरह हो रहे थे तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, अभी हो गए तो अब थोड़ी रिकवर हो गई है। बट ये कि मेरे ख्याल से मैंने अभी उसको इतनी ज़्यादा देखा नहीं सही से, मेरे ख्याल उसकी एक उंगली जो है पूरी ज़ाया हो गई है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी तोतों वगैरह को भी दाना डालना है, कबूतरों को भी दाना डालना है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा तो भाई अभी आपको कबूतर दिखाते हैं वाला भी, और पहले जो है यहाँ पर इन कबूतरों को दाना डाल देते हैं। जंगली भी आए हुए हैं सामने, कुछ इंतज़ार में बैठे हैं। आओ 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 आओ, देखते हैं सामने से आता है कोई कि नहीं। ये देखें कैसे आ गए, ये देखें मोर भी आया है सब। देखें और भी जंगली कबूतर आ रहे हैं, और थोड़ा डाल देते हैं, कम पड़ेगा दाना मेरे ख्याल से ना इनको। देखें तकरीबन सारे ही आ गए, बस एक रह गया, सारे उड़ भी गए। अब आओ 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 आओ, चलिए अब इनको आने देते हैं। अच्छा मैं आपको जो है वाले कबूतर दिखाता हूँ, वो मैंने अंदर रखे हुए हैं, और हम अपने लवबर्ड्स के लिए जो है दाना वगैरह डालना है वो भी कर लेते हैं। अच्छा इनकी एलिकट वगैरह निकाल लेता हूँ दाने की। अच्छा ये पेयर है, अच्छा ये पता नहीं अंडों पे फीमेल क्यों नहीं बैठी हुई है, इसने अंडे दिए हैं मैंने, और अंडे अच्छा मैं सोचता हूँ इसके अंडे जो है ना वहाँ इंक्यूबेटर में रख दूँ। अच्छा मैं आपको दिखाऊँ, देखें ये वाला हमारा मेल है जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है। अब ये देखें इसकी जो ये इस तरफ की उंगली है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये अब नहीं रही, और ना ये देख सकते हैं ये जो उंगली है, जैसे अब देखें यहाँ पे तीन उंगली है ना इसकी, अब यहाँ पे देखें दो हो गई, एक अच्छा यहाँ तीन है और एक पीछे है ना, ये पीछे वाली, ये वाली है जो नीचे आई हुई है ना, ये वाली नीचे वाली, और एक दो और वो पीछे की, अब इसकी ये पीछे वाली। अब ये देखें यहाँ पहली उंगली जो है नहीं है, मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, यहाँ से सही से दिख नहीं रहा बट आप यहाँ से देखें, यहाँ से इसका सही दिख रहा है, ये देखें सही उंगली इसकी नहीं है। बाकी अब इसका ये है कि इसको उतना ज़्यादा ना वो करेंगे नहीं हमें, मतलब इतना ज़्यादा इसको जो है हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि उड़ने वगैरह में भी वो हो गया, कम हो गया। अच्छा बाकी जो है जब से इसको डैमेज हुआ है ना इसकी उंगली, ये बंद है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना यहाँ बाहर खोल दूँ, और हाँ हम इसको थोड़ी देर बाहर खोल देते हैं, इनको दाना भी चेंज कर देते हैं, इनको नया साबुदाना डाल देते हैं, बाकी ये जो बर्तन है इनके ले जाते हैं। अच्छा थोड़ी देर इसको खुला रहने देते हैं, शायद ये बाहर आ जाए, और हम जो है बाहर चलते हैं। जंगली कबूतर भी आए हुए हैं, इस वाले को हम यहाँ डाल देते हैं, और इसमें बाजरा वाजरा ये हम अपने बजरीस के लिए डाल देते हैं, और इसको भी यहाँ रख देते हैं। अच्छा बाकी जो है ना तोतों का दाना वगैरह जो है ख़त्म हो गया था, वो भी लेकर आए हैं, मैं इसको यहाँ रख देते हैं, और मैंने और क्या चीज़ चाहिए होती है। अच्छा मैं अंदर जाता हूँ, पानी की बोतल भी लेकर जाता हूँ साथ ना, तो वो भी मैं भर के ले आता हूँ। अच्छा देखिए सारा सामान लेके आ गया हूँ मैं, बाकी जो है ना जो हमारे कबूतर वगैरह होते थे देखें कितने ज़्यादा कम हो गए हैं, बस देखिए दो ही हैं और बाकी दो बस सामने बैठे हुए हैं। अच्छा बाकी ये वाला पौधा देखें, ये जो पौधा हमने लगाए थे देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ से भी बढ़ रहा है, यहाँ से भी इसके पत्ते निकल रहे हैं, और ये इंशाल्लाह पूरा कवर हो जाएगा। तो चलते हैं अभी हम केज के अंदरूनी हिस्से में। अच्छा यहाँ से हम चलते हैं, अच्छा देखिए सामने फीमेल है, मैं खाली अब नेस्टिंग कर रही है इसके मुंह में कहाँ से, तो हम अंदर चलते हैं और इसको भी लेकर आना है, और ये वाला भी ले आते हैं। अच्छा मैं जो है ना इनका पहले खाना वगैरह जो है डाल लूँ सारा, चले मैं पहले इसको से डायरेक्ट डाल लेता हूँ, वरना मैं क्या करता हूँ ये खाना जो थोड़ा सा आधी बाल्टी इसमें रखता हूँ, बाकी जो बचता है सारा बोरे में रखता हूँ, फिर इसमें जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें से निकाल के इसमें डालता जाता हूँ। तो अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दाना इनको किस तरह डालता हूँ। अभी देखें थोड़ा साफ दाना है इनका जो है, मतलब इसमें जो है हमारे पास बाजरा वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये मैं सारा इनको बजरीस के लिए डाल दूँगा। अच्छा इसी तरह इनका भी देखते हैं। अच्छा इनका देखें बाजरा ऐसे साफ है, बस ऊपर थोड़ा छिलका छिलका है, तो ये ऊपर छिलका वगैरह निकाल लेते हैं। ये देखें अभी बचा ये साफ दाना, ये इधर डाल दिया हमने,
बाकी इसी तरह हम सारे तोतों को चेक करते हैं, इन लोगों को भी चेक कर लेते हैं, इनका भी देखे साफ है दाना, इनको भी डाल देते हैं, इनका भी देख लेते हैं, इनके में भी देखे थोड़े छिलके वगैरह, बस ये छिलके निकालवा देता हूँ ऐसे। तो इससे क्या होता है, हमारे जो तोते हैं ना वो सबने फ्री में पले हैं। अभी ये जो दाना, अभी जो इनका बचा हुआ है, अभी ये मैं फेंकता सारा, अभी फेंकने के बजाय इनके लिए काम आ रहा है। अच्छा इसमें देखें, इसमें सारे तकरीबन छिलका छिलका है, तो इसको हम यहीं फेंक देते हैं। और इन वालों का देखते हैं क्या है, इनमें भी देखें, अभी ऊपर ऊपर थोड़ा छिलका ही उतार लेते हैं, बाकी इसमें डाल दिया। और अब हमारे पास बचे ये वाले, इनमें भी, इनमें सही साफ दाना, ये भी डाल देते हैं हम, ये ऐसे सही है। अब ये देखें, ये हमारे बजे इसके लिए दाना तैयार हो गया। अच्छा अभी हम इसको जो है वो साइड में रख देते हैं और इसको खोल लेते हैं। थोड़ा कम है, इसमें से गिरेगा, मैं पहले ना इसमें थोड़ा निकाल लेता हूँ, वरना गिरेगा, फिर उसके बाद डालते हैं हम। अच्छा ये आ गया, निकल गया दाना। अब इन वालों को जो है थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि इनके बच्चे हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं। सही है, इनको डालना है बस इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एक ही दो तोते हैं खाली, ये वाला आ गया यहाँ पे। अच्छा इसके बाद ये वाली जो है ऊपर वाली तोते की कटोरी है, बहुत ही इतना इनके लिए, इसको देखें ऐसे लगा दिया। इसी तरह जो है एक ये वाली है कटोरी, तो ये वाला जो है इनका, अच्छा इनकी जो है ना वैसी वाली कटोरी नहीं है, तो इनकी हमें यहाँ पे अंदर लगानी पड़ती है ऐसे करके। सही है, बाकी इसमें भी दो तोतों के लिए डाल देते हैं, और इसमें तीन के लिए क्योंकि इनका बच्चा भी, ये वाला जो पेयर है हमारे पास, अच्छा इसमें भी हम तीन के लिए डाल देते हैं, इसमें भी क्योंकि बच्चा है, ये नीचे वाला जो पेयर है इनका, तो ये भी मैं लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये देखें ये लग गया। चले मैं फिर सारों को लगा के ना और पानी वगैरह दे के कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा देखें सबको जो दाना पानी, यहाँ भी दाना पानी, यहाँ भी सबको जो है, ये देखें मैं आपको एक बार दिखाऊँ, सबको हमने खाना पानी डाल दिया। अब ये वाली जो कटोरी है इसके अंदर हम थोड़ा सा दाना भी डाल लेते हैं और थोड़े बीजे वगैरह दाने को कम कर देते हैं। ये देखें इतना बहुत है। अच्छा ये हमारे जो अलग माँ तोते रखे हैं ना उनके लिए है, और अभी फिर हम इसको बाहर लेके जाते हैं। और नीचे कुंडे में जो है ये बजरी इसका है, और तो कोई चीज़ अंदर से नहीं लेके जानी ना, नहीं बस ये लेके जाना। अच्छा मैं अंदर जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा बजरी इसके सेटअप पे आ गए हैं, पानी तो जो है इनका साफ है, बस दाना डालना है। दाना मैं इनको रख देता हूँ यहाँ पे ये सामने। अरे इनका वो वाला भी चला गया अंदर, बाकी देखें आ गए खाने के लिए। ये देखें कैसे खा रहे हैं, अभी और भी आएंगे, देखें फीमेल वगैरह जो, ये भी मटकियों से बाहर निकलेंगी दो, ये देखें एक अंदर है बैठी है, और एक यहाँ से भी देखें फीमेल जो है ये भी देख रही है, ये वाली फीमेल देखें बाहर आ गई, तो ये देखें। अच्छा ये जो फीमेल है ना सामने मटकी में, इसका तीन मेल से पेयर लगा, एक जो ग्रीन वाला भी बैठा हुआ था, एक ये ब्लू सा इसके साथ, और एक और है उसके साथ भी इसका लगा हुआ पेयर ना, तो चलें हम बाहर चलते हैं। तो ये वाला दाना जो है हम इन वाले तोतों को डालेंगे, यहाँ पे इनकी कटोरी लगती है, मैं इसका गेट नहीं खुल रहा है, खुल गया। अच्छा ये वाला जैसे फिर चूजे भी आए हैं सारे, ये जो है यहाँ पे रख देते हैं इन वाले कबूतरों के लिए, और बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।